नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ईआर केमिस्ट धाम में। दोस्तों, आज मैं डिस्कस करूंगा एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन के बारे में। इसमें एरोमेटिसिटी पहले डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। मैं टॉपिक स्टार्ट करूं उससे पहले मैंने दोस्तों आज एक बहुत ही बेहतरीन एक मोटिव सेंटेंस में लेके आया हूँ, जिसमें आपको दे रखा है, कठिन समय हमेशा आपको मूल्यवान सबक सिखाता है। अब इस सेंटेंस को दोस्तों मैं इस तरह से लेता हूं, अगर आप इसको समझ सकते हो दोस्तों, कि अभी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी हो सकता है थोड़ा सा समय ले आपको, थोड़ा सा समय, थोड़े का समय इस मतलब ऐसा है कि हो सकता है कि अप्रैल और मई में फॉर्म भरवा दें और अपना एग्जाम जुलाई के बाद में लें, क्योंकि वैसे भी जून तक की और जुलाई तक की जो भी एग्जाम लगनी है उनकी डेट शीट आरपीएससी ने वैसे ही डिसाइड कर दी है। लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के बारे में कहीं पे कुछ भी डेट के बारे में नहीं दे रखा। लेकिन एक तो बात कंफर्म है कि जो वैकेंसी फर्स्ट ग्रेड की आएगी दोस्तों, एक तो उसमें भरमार आपको वैकेंसी मिलेगी, भरमार गजब की वैकेंसी मिलेगी। इसके बाद में ऐसी वैकेंसी कभी और मिलेगी भी नहीं दोस्तों। तो ये जो समय है वो अपना कठिन समय होगा, हमें वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा, उस एग्जाम तक हमें अपने आप को प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और फिर हमें ये हमेशा ध्यान रखना कि वो जो कठिन समय होगा वो हमें कुछ ना कुछ अच्छा मूल्यवान सबक सिखा देगा। इसका मतलब ये होगा, जब अपने एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे दोस्तों, तो वो जो समय होगा वो अपने लिए क्या होगा, मूल्यवान होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको इस तरह के वीडियोस मिलते रहे दोस्तों। दोस्तों आज मैं जो टॉपिक डिस्कस कर रहा हूँ, मैं बेंजीन रिंग का डिस्कस करूंगा। इसमें एक छोटा सा टॉपिक जो काफी बार आरपीएससी वालों ने यहाँ से क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, काफी बार, और वो टॉपिक है दोस्तों एरेनियम आयन। क्या कह रहा हूँ, एरेनियम आयन के बारे में काफी बार ये टॉपिक एग्जाम में पूछ लिया गया है। देखिए दोस्तों, एक तो ये पूछ रहा है कि इस एरेनियम आयन का जो संकरण है, इस कार्बन का बेंजीन रिंग के अंदर जो एरेनियम आयन है, इस कार्बन का जो संकरण है वो कौन सा है। ये मैंने आज भी पोस्ट डाली थी, ये ध्यान रखना दोस्तों। बेंजीन रिंग में जब कोई इलेक्ट्रोफाइल का योग होता है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, देखो एक तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर जब कोई इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल जुड़ता है इस किसी भी बेंजीन रिंग के कार्बन पर, तो एक इंटरमीडिएट बनता है। ध्यान रखना दोस्तों, क्या बनता है, एक इंटरमीडिएट बनता है। तो इस इंटरमीडिएट में एक कार्बन, पांच कार्बन में से, देखो टोटल छह कार्बन थे, यहाँ हर एक कार्बन sp2 संघन अवस्था में है, sp2 हाइब्रिड स्टेट में। लेकिन जब एरेनियम आयन बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल का एडिशन होता है, योग होता है, तो जो इंटरमीडिएट बनता है एरेनियम, उसके दूसरे नाम ही बताऊंगा दोस्तों। हो सकता है आपको पूछा जाए कि कौन सा इंटरमीडिएट जब इलेक्ट्रोफाइल के एड होने से बेंजीन रिंग पे बनता है उसके नाम पूछ लें, वो नाम मैं आपको बताऊंगा। अभी देखिए, ये जो एरेनियम आयन है दोस्तों, इस एरेनियम आयन का जो संकरण है वो कौन सा है, sp3 कार्बन है, क्योंकि यहां इस कार्बन के साथ में चार सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों। कितने सिग्मा बॉन्ड है, चार सिग्मा बॉन्ड। और अपन जानते हैं कि जो बेंजीन रिंग है, ये जो पाई बॉन्डेड रिंग है, बेंजीन रिंग एक एरोमेटिक कंपाउंड से, एक एरोमेटिक यौगिक से नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया दोस्तों। क्या बन गया, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहां पर sp3 कार्बन है, इसीलिए यहां मैं एंटी एरोमेटिक नहीं कह सकता। ध्यान रखना, अगर एरोमेटिसिटी नहीं देखी है तो जरूर देखिए दोस्तों, मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। एरोमेटिसिटी पूरी की पूरी डिस्कस कर ली और वहां से 100% आपका एक क्वेश्चन और बनेगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, जब ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर जुड़ता है इस बेंजीन रिंग पर, तो ये रेजोनेंस हो गया, यहां पे जुड़ गया, ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़े यहां पर, ये पाई प्लस चार्ज आ गया, फिर ये पाई बॉन्ड दोस्तों यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, ये प्लस चार्ज यहां शिफ्ट हो गया, फिर यहां से ये पाई बॉन्ड यहां आ जाए, तो ये प्लस चार्ज यहां आ जाए। तो इस तरह से एक इंटरमीडिएट बनता है, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हाइब्रिड स्टेट है दोस्तों। इसकी क्या है, हाइब्रिड स्टेट है, और इस स्टेट को नाम दे दिया एरेनियम इंटरमीडिएट। इसी को दोस्तों ध्यान रखना, इसी को सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और इसी का एक और नाम है दोस्तों वीलैंड, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं दोस्तों, याद रखना दोस्तों, गजब का टॉपिक है ये, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं दोस्तों, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं। इसी को कार्बोनियम आयन भी कह रखा है दोस्तों, कार्बोनियम आयन भी कह रखा है।
क्लियर है? तो ये एक अपने को ध्यान रखना है कि जो एरिनियम आयन बनता है उसके अलग अलग नाम कौन कौन से हैं। सिग्मा कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट भी बोलते हैं। ध्यान रखना पाई एक नॉन सॉरी एक एरोमेटिक कंपाउंड से एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। और फिर दोस्तों लास्ट में जब ये इलेक्ट्रोफाइल बाहर निकलता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है, प्रतिस्थापन है, तो एक इलेक्ट्रोफाइल जहां जुड़ता है वहीं से दूसरा इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा, रिमूव होगा। इसीलिए इसको इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं दोस्तों। तो जैसे ये निकलेगा यहां दोस्तों स्टेबल यौगिक, जिसको मैं कह दूं मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ये वापस अपने सेक्सेट फॉर्म में वापस आ जाती है, यानी वापस नॉन एरोमेटिक कंपाउंड से एरोमेटिक कंपाउंड में चेंज हो जाती है दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा दोस्तों। लाइक जरूर कर दीजिए दोस्तों अगर समझ में आ गया तो। चलिए दोस्तों मैं बेंजीन रिंग के बारे में छोटे छोटे पॉइंट्स में डिस्कस कर लेता हूँ कि जो बेंजीन रिंग को सबसे पहले आइसोलेट किया था उस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो वो था दोस्तों माइकल फैराडे। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, माइकल फैराडे था। अब देखिए दोस्तों एरोमेटिक कंपाउंड से एक छोटा सा क्वेश्चन बनता है। एरोमेटिक कंपाउंड से अगर आपसे पूछा दोस्तों कि सबसे सॉरी ऑर्गेनिक रिएक्शन से पूछता हूँ सॉरी दोस्तों, ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक छोटा सा क्वेश्चन है ये आया हुआ है दोस्तों। ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहले लेबोरेटरी के अंदर जिस ऑर्गेनिक यौगिक का निर्माण किया गया था वो यौगिक कौन सा है दोस्तों। ये सेट में आया हुआ दोस्तों क्वेश्चन है, ध्यान रखना। वो है दोस्तों यूरिया। कौन सा है? यूरिया है दोस्तों। और इसी यूरिया को ध्यान रखना दोस्तों पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं लेबोरेटरी में बनाया हुआ। और ये कंपाउंड जिस साइंटिस्ट ने सिंथेसाइज किया था उसका नाम है वॉलर। कौन सा होगा? वॉलर। सेट 2009 में, सन 2009 में ये आया हुआ क्वेश्चन दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों ये चीज ध्यान रखनी है कि जो वॉलर जिन्होंने ये साइंटिस्ट ने इसको बनाया था वो बनाया था दोस्तों अमोनियम साइनेट से। किससे बनाया था? अमोनियम साइनेट से इस यौगिक का निर्माण किया था। अच्छा क्वेश्चन है ये। इसकी दो कैलकुलेट स्ट्रक्चर्स दे रखी है जो कि 1865 में दी गई थी। अब इसके बाद में दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टर मैं बेंजीन रिंग के रेस्पेक्ट में लेके आया हूं दोस्तों। पहला टॉपिक देखो, ये बेंजीन रिंग ये कहती है कि ब्रोमीन जल से तथा क्षारीय केमनोफोर से कभी भी बेंजीन रिएक्ट नहीं करती है। इसका मतलब वो अप्रभावित रहती है, उससे कोई इंटरेक्शन कोई रिएक्शंस वो शो नहीं करते। किसके साथ में बेंजीन रिंग दोस्तों? एक तो ब्रोमीन जल के अंदर, यानी इसको आप एक्वस BR2 भी कह सकते हो दोस्तों। ध्यान दो दो, एक्वस जो जल है पोलर मीडियम है, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। पोलर प्रोटिक है ये जल। क्या होता है? पोलर प्रोटिक यानी ध्रुवीय प्रोटिक। जो प्रोटॉन देने वाला होता है वो एक जल का अणु होता है, ध्रुवीय अणु होता है। क्षारीय केमनोफोर से कभी भी ये रिएक्ट नहीं करता। फिर कह रहा है दोस्तों हेलोजन अम्ल HX तथा हाइपोहैलस HOX अम्लों के साथ इसकी योगात्मक क्रिया नहीं होती है, यानी कभी भी ये एडिशन रिएक्शन HX के साथ में, जैसे एल्किन तो देती है HOX और HX के साथ में, लेकिन बेंजीन रिंग इन दोनों के साथ में कोई भी एडिशन रिएक्शन नहीं देती है। फिर दोस्तों ये ध्यान रखना है कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन देती है, न कि NSR यानी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। यानी ये कह रहा है दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया तो देती है, ये योगात्मक अभिक्रिया तो देती है, लेकिन नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती दोस्तों। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नहीं देती। इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, तीनों के तीनों ही एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट है। फिर कह रहा है दोस्तों बेंजीन के एक अणु में हाइड्रोजन व ओजोन के तीन अणुओं का उत्प्रेरक की उपस्थिति में योग होता है। और ये दोस्तों मैं जब बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराऊंगा दोस्तों, ओजोनोलाइसिस यानी ओजोनी अपघटन, तब मैं आपको ये चीज समझाऊंगा कि किस तरह से हाइड्रोजन का एक अणु और ओजोन के तीन अणु कैटलिस्ट की उपस्थिति में बेंजीन के साथ में योगशील अभिक्रिया दर्शाते हैं, यानी योग कैसे होगा, एडिशन कैसे होगा, ये मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। दोस्तों ये मैंने ओवरऑल
एनसीईआरटी के बेसिस पर, और जो भी अपनी पुरानी बुक थी राजस्थान बोर्ड की जो 2007 में, 6 में, 8 में चलती थी, 5 में चलती थी, उसके मैंने ये क्वेश्चंस मैंने लिए दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैल्शियम, ये देखो मैंने प्रिपरेशन मेथड ले रखा है, पूरा का पूरा एक ही चार्ट के अंदर मैंने समझाने की कोशिश की है। कैल्शियम कार्बाइड ले लिया, कैल्शियम कार्बाइड को मैंने जलघटित करवाया दोस्तों, यहाँ ये H2 है। कैल्शियम कार्बाइड को जब जलघटित कराओगे दोस्तों तो इथाइन का निर्माण होता है। ये अगर आपने देखा हो एल्केन एल्कीन एल्काइन वाला जो टॉपिक मैंने करवा रखा है, प्लेलिस्ट में डाल रखा है, अगर नहीं देखा तो दोस्तों जरूर देखिएगा, बहुत ही काम का टॉपिक है, एग्जाम ओरिएंटेड है। भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करो, सेकंड ग्रेड की तैयारी करो, लेवल सेशन की तैयारी करो, किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो जिसमें केमिस्ट्री आ रही है, ये टॉपिक आपके लिए कंपलसरी इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। फिर दूसरा दोस्तों बेंजोइक एसिड ले रखा है, सोडा लाइम डाल दिया मैंने। सोडा लाइम क्या करता है, डी कार्बोक्सिलेशन का काम करता है, CO2 को बाहर निकालने का काम करता है, वी कार्बोक्सिलीकरण का काम करता है और बेंजीन का फॉर्मेशन करता है। इथाइन को रेड हॉट ट्यूब यानी रक्त तप्त नलिका से प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों, रक्त तप्त नलिका से तब बेंजीन का फॉर्मेशन होता है। ऐसे दोस्तों अगर मैं फिनोल की जिंक के साथ अभिक्रिया कराता हूं तो ये जिंक क्या करता है, या इस ऑक्सीजन को बाहर निकालता है यानी रिडक्शन का काम करता है, अपचयन का काम करता है, जो कि ऑक्सीजन को बाहर निकाल करके बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है फिनोल को। ऐसे ही दोस्तों बेंजीन डाई एजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन अगर मैं H3PO2 के साथ में जलीय माध्यम में कराऊं, किसके साथ में, H3PO2, H3PO2 के साथ में, तो भी बेंजीन बनता है। और दोस्तों अगर मैं इथेनॉल ले लेता हूँ और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन कराता हूँ तो भी बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन होता है। तो ये दोस्तों चार मेथड से पांच मेथड अपने पास एनसीईआरटी के अंदर दे रखे हैं दोस्तों, समझ में ही बात। अच्छा टॉपिक है, मैंने 11th और 12th दोनों के कंबाइंड टॉपिक लिए हैं जहां से बेंजीन का फॉर्मेशन हो रहा था दोस्तों। अब देखिए दोस्तों बेंजीन की केमिकल रिएक्शन, ये मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा दोस्तों क्वेश्चन के अंदर, जब आपके क्वेश्चंस कराऊंगा तब मैं डिस्कस जरूर करूंगा। तो आपको क्या करना है, अभी ये चार्ट पूरे के पूरे एक्सेल, जैसे जैसे मैं चार्ट बना के ला रहा हूँ वो चार्टों को आप कैसे बनाना है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस को याद करने का इससे बेहतर कोई तरीका है ही नहीं दोस्तों। सबसे बेस्ट तरीका है कि आपको चार्ट वाइज हर एक रिएक्शन को, हर एक टॉपिक की रिएक्शन को एक साथ एक ही चार्ट में लिख लिया जाए, हर एक चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, तो बहुत आसान हो जाती है अपने लिए। अब देखिए नाइट्रेशन कराएंगे तो नाइट्रो बेंजिन बनेगा, सल्फोनेशन करवाएंगे बेंजिन सल्फोनिक एसिड बनेगा, क्लोरिनेशन करवाएंगे क्लोर बेंजिन बनेगा, Fe3, ये भी कोई हेलोजनेशन है, FeBr3 के साथ में ब्रोमिनेशन करवा दिया, क्लोरिनेशन करा सकते थे। ऐसे दोस्तों फिडल क्राफ्ट रिएक्शन बहुत ही गजब का टॉपिक है, RPSC का सबसे बेस्ट एग्जाम यानी गजब का क्वेश्चन बनता है RPSC एग्जाम के अंदर दोस्तों। और यहां से मैं इस फिडल क्राफ्ट रिएक्शन की पूरी डिटेल से डिस्कस करूंगा दोस्तों, हर टाइप के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन के, वो सारे के सारे मैं डिस्कस करूंगा दोस्तों, ठीक है। तो एल्काइलेशन करवा रखा है और दूसरा एसाइलेशन करवा रखा है दोस्तों। ऐसे दोस्तों एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में, अभी देखो ये रिएक्शंस आपको याद हो तो मैंने डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड में भी ली थी दोस्तों, वहां पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी दोस्तों क्वेश्चंस को लिखने में, लेकिन मैंने दोबारा भी वो समझा दिया था कि किस तरह से बेंजीन एसिटिक एनहाइड्रेट के साथ में भी एसाइलेशन रिएक्शन देकर के एसिटोफिनोन का फॉर्मेशन निर्माण करती है दोस्तों, क्लियर दोस्तों, ठीक है। ये देखिए दोस्तों फिर मैंने यहाँ पे देखो दोस्तों इसी एसिटोफिनोन में एक जो 12th क्लास का टॉपिक है छोटा सा क्वेश्चन है, क्रोमिक एसिड की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन करवा रखा है जो कि एसिटोफिनोन को बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करता है दोस्तों। अच्छा क्वेश्चन दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। तो ये बेंजोलिशन एसाइलेशन ये सारे मैंने बता दिए। ऐसे दोस्तों ये क्वेश्चन गजब का क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर क्लोरिनेशन कंप्लीट क्लोरिनेशन करवा दिया जाए डार्क की प्रेजेंस में AlCl3 कैटलिस्ट की उपस्थिति में तो दोस्तों हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है। किसका, हेक्साक्लोरोबेंजीन का फॉर्मेशन होता है यानी C6Cl6 का फॉर्मेशन होता है। लेकिन दोस्तों यहां देखिए ये मैंने एडिशन रिएक्शन दे रखी है दोस्तों यानी योगशील अभिक्रियाएं या योगात्मक अभिक्रियाएं, ये बहुत ही गजब का टॉपिक है दोस्तों। अगर निकल की प्रेजेंस में कराऊंगा अपचयन दोस्तों तो हाइड्रोजन का योग होगा और साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करेगा। किसका, साइक्लोहेक्सेन का निर्माण करेगा। ऐसे ही दोस्तों अगर मैं कंप्लीट क्लोरिनेशन कराऊं, क्लोरिनीकरण कराऊं HNU की प्रेजेंस में हाई टेम्परेचर पर तो ध्यान रखना दोस्तों यहां ये एड होगा, ये जो बेंजीन रिंग के पाई बॉन्ड है दोस्तों 6 के 6 पाई बॉन्ड, ये यहां से ये पाई बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां यहां 6 के 6 कार्बन पर आपको Cl लग जाएगी यानी यहां Cl अटैच हो जाएगी दोस्तों, एडिशन हो जाएगा और यहां हाइड्रोजन बाहर नहीं निकल रही दोस्तों, ध्यान रखना यहां Cl ऐसे कैसे जुड़ गए दोस्तों, इसीलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं दोस्तों C6H6Cl6।
यानी इसको ओवरऑल 666 भी कह सकते हैं दोस्तों। और इसको सबसे बेस्ट दोस्तों BHC बोलते हैं, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड बोलते हैं दोस्तों। और इसी का दोस्तों दूसरा नाम है गैमेक्सेन। क्या बोलते हैं दोस्तों? गैमेक्सेन। और इसी का एक और नाम है दोस्तों लिंडेन। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये भी क्वेश्चन गजब का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा RPSC फर्स्ट ग्रेड ऑरिएंटेड। तो ये मैंने छोटे छोटे टॉपिक्स को एक साथ, जितने भी थे बेंजीन के, वो एक साथ इंक्लूड करके मैंने आपको बता दिया दोस्तों। ऐसे दोस्तों बेंजीन की कंबशन यानी दहन बोल दो दोस्तों, दहन की रिएक्शन है। इसका ये फॉर्मूला है दोस्तों अपने पास, ये बेंजीन रिंग के लिए मैंने ये तो दहन करवा दिया, जिसमें 6 CO2 और 3 H2 बनते हैं। और यहाँ ये मैंने इसका फॉर्मूला ले लिया दोस्तों, C6H5+NX+Y/4O2=X CO2+Y/2H2। ये मैंने एक छोटा सा फॉर्मूला ले रखा है दोस्तों, हो सकता है अपने को फॉर्मूला देख करके क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है दोस्तों। ये एरेनियम आयन मैंने ले रखा है, जिसको मैंने बता दिया सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, एरेनियम आयन बोल सकते हैं। इसी को दोस्तों वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब मैं केमिकल रिएक्शंस कराऊंगा तो देखिए अपन को ये तो पता चल गया कि जो बेंजीन रिंग है वो इलेक्ट्रॉनिस नहीं, युगात्मक अभिक्रिया देगी दोस्तों। अब बस आपको क्या करना है, मेरे को ये बताना है कि इलेक्ट्रॉनिस नहीं कौन कौन से होंगे। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, अगर मैं नाइट्रेशन कराऊंगा, नाइट्रिकन कराऊंगा, तब तो इलेक्ट्रोफाइल NO2+ होगा दोस्तों। अगर मैं सल्फोनेशन कराऊंगा तो इलेक्ट्रोफाइल SO3H+ होगा दोस्तों। अगर मैं हेलोजनेशन कराऊंगा तो इलेक्ट्रोफाइल होगा X+। अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट एल्कालेशन कराऊंगा तो R+। ऐसे दोस्तों अगर मैं फ्रिडल क्राफ्ट एसाइलेशन कराऊंगा तो एसिटाइल केटाइन यानी एसाइल ग्रुप या एसाइल कार्बोकेटाइन अपने लिए इंटरमीडिएट का काम, सॉरी कार्बोकेटायन या इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा। ये सारे के सारे क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रोफाइल है। और जब भी जैसे ये बेंजीन रिंग पे जुड़ेंगे ये बना देगा नाइट्रो बेंजीन। ये मैं रिएक्शन समझाऊंगा दोस्तों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर। बेंजीन सल्फोनिक एसिड बना देगा, ये हेलो बेंजीन बना देगा, ये एल्काइल बेंजीन बना देगा। और यहां से एल्काइल बेंजीन की रिएक्शन देखेंगे फिर अपन, किस तरह से एल्काइल बेंजीन इटारडिएशन देगा, बेंज एल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेगा, साइड चेन रिएक्शन देगा, किस तरह से देगा, ये सारी सारा बेंजोइक का निर्माण ये सब बनाएंगे। और यहां से मिल जाएगा दोस्तों अपने को एसिटोफिनोन। तो ये रिएक्शन अपने को सारी की सारी रिएक्शन प्रिपरेशन मेथड और केमिकल प्रॉपर्टीज वाली सारी की सारी एक एक रिएक्शन अपने को डिस्कस करनी है दोस्तों। लेकिन दोस्तों मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहूंगा कि जो चार्ट है ना दोस्तों, इस चार्ट को जरूर आपको याद रखना है दोस्तों। ये चार्ट आपको एज इट इज बना लेना है दोस्तों, काम का है, बहुत ही काम का। आई होप आपको आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कि आपको जो मैं केमिस्ट्री प्रोवाइड करा रहा हूँ वो आपके लिए कैसी है, कितनी हेल्पफुल है, इसमें कितना और एडिशन मेरे को करना है। ये आपके सजेशन आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं उनसे कुछ नया और करने की कोशिश करूं, उन कमेंट को मैं ऐड करके जो भी आपके डाउट है उनके बेसिस पे मैं बेहतरीन करने की कोशिश करूं दोस्तों। आप ये चीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताया करेंगे दोस्तों कि कोई टॉपिक आपको समझ में आया नहीं आया, या किस टॉपिक को आपको ज्यादा रिक्वायर्ड है, जो टॉपिक मैं करवा रहा हूँ उस टॉपिक मेरे को और क्या नई चीज आपके लिए ऐड करनी है, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आया है, ये सब आप मेरे को बता सकते हैं दोस्तों। इसके अलावा मेरे पर्सनल नंबर पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैंने आपको बता भी दिया। टेलीग्राम चैनल अपना इसी चैनल के नाम से है, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से, AR केमिस्ट्री धाम के नाम से दोस्तों अपना टेलीग्राम चैनल भी है। और दोस्तों इसी के नाम से आपका फेसबुक ग्रुप भी बना रखा है मैंने, फेसबुक ग्रुप पे भी जुड़ सकते हो। इसके अलावा दोस्तों मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9785880824 पर, आप मेरे को इसी नंबर से कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं कल, मैं इन्हीं केमिकल रिएक्शंस को आगे प्रोसीड करूंगा और कुछ क्वेश्चंस ऐड करूंगा जो कि लास्ट ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं पिछले, ठीक है दोस्तों। चलिए धन्यवाद, जय भारत।